इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक तरीका है बॉडी को अंदर से प्योरीफाई करने का, क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है तभी हमारी बॉडी और हमारा माइंड ठीक से रिपेयर हो पाते हैं। इसलिए पेट को कुछ घंटे खाली रखने से कई बीमारियां दूर होती हैं और फैट बर्निंग भी शुरू होती है। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। मेरा नाम गुंजन है और मैं आई एम वाओ हेल्थ एंड फिटनेस कंपनी की फाउंडर हूँ, जिसके थ्रू दुनिया भर से हजारों लोगों ने अपने फिटनेस गोल्स को आसानी से पूरा किया है। आज इस वीडियो में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डूज एंड डोंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे, सो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत तरीके से की जा सकती है। एक तरीका होता है 12:12। ये बिगिनर्स के लिए एक अच्छा मेथड है जिसमें 12 घंटे की फास्टिंग होती है और 12 घंटे की ईटिंग विंडो। एक और तरीका होता है 16:8, जिसमें 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो होती है और 8 आवर्स की ईटिंग विंडो। देन वी ऑल्सो हैव अ वॉरियर मेथड जिसमें 20 आवर्स की फास्टिंग होती है और 4 आवर्स की ईटिंग विंडो रहती है। इनके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिनमें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैंने पहले भी इस चैनल पे वीडियो शेयर की है, बट क्योंकि आज हमारा वीडियो का पर्पस कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स को डिस्कस करना है, इसलिए हम शुरू करते हैं फास्टिंग विंडो के डूज एंड डोंट्स के साथ। मेरे पास बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि फास्टिंग विंडो में हम किस तरह के लिक्विड्स ले सकते हैं। आप वो सभी लिक्विड्स ले सकते हो जिनमें 0 कैलोरीज होती हैं या फिर ना के बराबर कैलोरीज होती हैं। इनमें सबसे पहले आता है प्लेन वाटर। बहुत से फास्ट में पानी लेना अलाउड नहीं होता, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग के फास्टिंग विंडो में भी आप पानी ले सकते हो। प्लेन वाटर के अलावा आप लेमन वाटर, सिनेमन वाटर, जीरा वाटर, सौंफ वाटर, इस तरह के और इन्फ्यूज्ड वाटर्स ले सकते हो, पर इनमें सॉल्ट, शुगर या फिर कोई भी और चीज़ अलग से ऐड नहीं करनी है। आप पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाल के भी ले सकते हो। ये सभी ड्रिंक्स मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं और फास्टिंग विंडो में फैट बर्निंग को सपोर्ट करती हैं। और अब सबसे बर्निंग क्वेश्चन, व्हाट अबाउट टी एंड कॉफ़ी? दूध वाली चाय या फिर कॉफ़ी आप नहीं ले सकते, क्योंकि मिल्क अपने आप में कंप्लीट फूड माना जाता है। बट अगर ज़रूरत हो तो आप ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, क्योंकि उसमें ना के बराबर ही कैलोरीज होती हैं। फास्टिंग विंडो में इनका इनटेक भी जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। हाई कैफीन कंटेंट होने की वजह से ये कॉर्टिसोल और इंसुलिन लेवल्स को इंक्रीज करती हैं। इस तरह के बेवरेजेस बॉडी में सेल्युलर लेवल पे प्योरिफिकेशन नहीं करने देते। अगर लेना भी हो तो आप हर्बल टी, ग्रीन टी ये सब ले सकते हैं। इनमें ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और फास्टिंग विंडो में फैट बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। वैसे ग्रीन टी भी लिमिट में लें, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ अमाउंट में कैफीन प्रेजेंट होता है। आप आई एम वाओ नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक हर्बल ड्रिंक है और ये 7 अलग अलग तरह के फ्लावर्स से बनी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ बहुत ही हेल्दी बेवरेजेस भी हैं जिन्हें आप फास्टिंग विंडो में नहीं ले सकते, जैसे कि फ्रेश फ्रूट जूस या फिर वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर, ये सब नहीं ले सकते क्योंकि इन सब के अंदर कैलोरीज होती हैं, बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी फास्टिंग स्टेट में नहीं जा पाती। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। You can choose the fasting window mindfully. So intermittent fasting में आप अपने convenience के हिसाब से अपने fasting और अपने eating window को choose कर सकते हो। तो इसलिए better है कि आप fasting window इस तरह से choose करो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा physically active ना रहना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना ना पड़े, क्योंकि ऐसे में चाय, कॉफ़ी या फिर food को avoid करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। So, अगर आप 16 आवर्स का फास्ट करने वाले हो तो इसे आप इवनिंग में स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट मैक्सिमम फास्टिंग आवर्स सोने में बीते और बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो सके। ऐसे में 8 आवर्स की ईटिंग विंडो को हम 11 बजे से स्टार्ट करके शाम के 6 बजे तक रख सकते हैं, जो कि हमारा मोस्ट एक्टिव और सोशल टाइम होता है। तो ऐसे में आप और लोगों के साथ बैठ के लंच एंजॉय कर सकते हो, इवनिंग में टी या फिर कॉफ़ी भी ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाउ अबाउट वर्कआउट्स ड्यूरिंग फास्टिंग विंडो? फास्टिंग विंडो में आप वॉक या फिर लाइट वर्कआउट कर सकते हो। हैवी वर्कआउट्स, HIIT या फिर कार्डियो फास्टिंग विंडो में अवॉइड करना सही है, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइज के बाद बॉडी को रिकवरी के लिए न्यूट्रिशियस फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर एक अच्छे वर्कआउट के बाद हम बॉडी को फ्यूल नहीं करेंगे तो मसल लॉस होने लगता है और बॉडी वीक हो जाती है, फटीक भी हो सकता है।
सो बेटर है कि इस टाइम पे आप सिर्फ वॉक या फिर माइल्ड एक्सरसाइज करें, जिसके बाद आप पानी का इंटेक अच्छा रखें। नाउ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सप्लीमेंट्स और मेडिसिन ड्यूरिंग द फास्टिंग विंडो। कुछ लोगों की मेडिकेशन चल रही होती है, तो क्या वो फास्टिंग विंडो में अपनी दवाई ले या फिर ना लें? वेल, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर हमेशा मेंशन करते हैं कि ये मेडिसिन खाने के साथ लेनी है या फिर ये मेडिसिन खाली पेट लेनी है। अगर कोई दवाई खाली पेट लेनी है तो आप उसे फास्टिंग विंडो में भी ले सकते हो, पर अगर कोई मेडिसिन खाने के साथ लेनी है तो फिर आप उसे अपने मील्स के साथ ही लीजिए। वैसे मैं एक चीज अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी तरह के मेडिकेशन पर हैं तो अपने डॉक्टर से पूछे बिना इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। दो इन माई ओपिनियन फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू हील योर बॉडी, बट किसी भी चीज़ को अचानक से स्टार्ट करने से कई बार बॉडी ठीक से अडेप्ट नहीं कर पाती और कोलैप्स कर सकती है, तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ही बेटर है। इन जनरल अगर कोई अंडरवेट है, प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग मदर है या फिर कोई एथलीट है, तो उन्हें रेगुलर न्यूट्रिशन इनटेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग उनके लिए आइडियल नहीं है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। What if you're not able to keep up in the fasting window? अगर फास्टिंग विंडो में आपको भूख लगे, कंट्रोल ना हो, क्रेविंग्स हो, एनर्जी लॉस हो, काम ठीक से नहीं कर पा रहे, हेडेक होने लगे या फिर चक्कर आने लगे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी कुछ नया ट्राई करते हैं तो स्टार्टिंग में उसे अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हमारी बॉडी भी इस नए ईटिंग पैटर्न को धीरे धीरे अडेप्ट करती है और फिर रिजल्ट दिखने लगते हैं। फास्टिंग विंडो में भी जब बॉडी फैट बर्निंग स्टेज में जाती है, सो उस टाइम पे क्रेविंग्स होना, भूख लगना, ये सब नॉर्मल है। इसी पॉइंट पे आपको सेल्फ कंट्रोल करने की जरूरत है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर बॉडी इज इन द प्योरीफाइंग स्टेज एंड फैट बर्निंग स्टेज, और ऐसे में हाइड्रेशन कैन हेल्प यू स्टे नॉर्मल। हाउएवर, अगर चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली जाएं, सीवियर हेडेक, डिजीनेस होने लगे, तो फिर आपको अपने ऊपर इतना हार्श होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी अडैप्ट नहीं कर पा रही तो आप इनिशियली 12:12 जैसे इजी पैटर्न से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें 12 घंटे की फास्टिंग होगी, एंड दैट इज समथिंग विच वी कैन ईजिली डू। धीरे धीरे वी कैन मूव टू 16:8 एंड देन सो ऑन। सो ये थे फास्टिंग विंडो के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, और अब चलते हैं ईटिंग विंडो के डूज एंड डोंट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट विद अ लाइट मील इन योर ईटिंग विंडो। बहुत देर ना खाने से हमारा स्टमक श्रिंक हो जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज नहीं होते। ऐसे में अचानक से हैवी मील लेना डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे कि इनडाइजेशन, ब्लोटिंग और नौजिया हो सकता है। सो एक लाइट मील जैसे कि एक फ्रूट सैलेड या फिर सूप से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को किक स्टार्ट कर सकते हैं, और इससे आपकी बॉडी आगे के पूरे दिन के लिए प्रिपेयर हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल्स भी नॉर्मल रहते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट ओवर ईट इन द ईटिंग विंडो। बहुत से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेट लूज करने की जगह वेट गेन कर लेते हैं, क्योंकि वो ईटिंग विंडो में ओवर ईट करने लगते हैं। ईटिंग विंडो का मतलब ये नहीं है कि जितना मर्जी और जो मर्जी ले सकते हो। अल्टीमेटली द पर्पस इज टू गिव आर सिस्टम अ ब्रेक सो दैट इट कैन रीस्टार्ट, बट अगर हम कुछ देर ब्रेक देने के बाद फिर से अपने सिस्टम को ओवरलोड कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे आपका वेट लॉस गोल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्री प्लान योर मील्स इन द ईटिंग विंडो। ईटिंग विंडो में क्या लेना है ये सब पहले से प्लान करके रखो, अदरवाइज देर आर वेरी हाई चांसेस दैट यू विल एंड अप ईटिंग समथिंग यू शुड नॉट ईट। इतनी देर फास्ट करने के बाद जो दिखा उसे खा लिया, ये नुकसान कर सकता है। इसलिए आप पहले से प्लान करके अपने ईटिंग विंडो में न्यूट्रिएंट डेंस होल फ्रूट्स को रखें, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स, ताकि बॉडी को मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डू नॉट स्किप योर मील्स इन द ईटिंग विंडो। ईटिंग विंडो में मील्स को स्किप मत करो, बिकॉज ऐसा करने से बाद में बिंज ईटिंग या फिर ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जो भी ईटिंग विंडो है उसमें अपने मील्स को अच्छे से डिवाइड करो और सही टाइम पे सही पोर्शंस में लो। इसी से आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। हम आई एम वाओ के फैट लॉस प्रोग्राम में भी इंटरमिटेंट स्पेशल डाइट प्लान्स प्रोवाइड करते हैं, जिनमें हमारे डाइटिशियंस आपके लिए बेस्ट मील प्लानिंग करते हैं, सो दैट आपको उसके मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। आप भी इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज टू स्टे हाइड्रेटेड। जब हम फास्ट करते हैं हमारी बॉडी कीटोसिस स्टेट में जाती है, जिससे फैट बर्न होना शुरू होता है। ये कीटोन्स एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए खाली पेट रहने पे गैस और एसिडिटी होने लगती है। इसका सोल्यूशन है कि हाइड्रेटेड रहें,
सो फास्टिंग विंडो या फिर ईटिंग विंडो, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप द बॉडी हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। इससे आपको फास्टिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और डाइजेशन, स्किन, ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समराइज करते हैं। दीज आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। डू नॉट कंज्यूम कैलोरिक बेवरेजेस इन द फास्टिंग विंडो। चूज अ फास्टिंग विंडो एज पर योर मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट फेवरेबल टाइम। डू नॉट डू हैवी वर्कआउट और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ड्यूरिंग द फास्टिंग विंडो। Consult a doctor before starting IF if you are under any medication or digestive issues. Take it easy. Do not ignore the cues. Break the fast with a light snack. Do not overeat in your eating window. Pre-plan all the meals in advance to include all the healthy options. Do not skip meals in eating window. Stay hydrated with plain water throughout the fasting and the eating window. In the end, मैं बताना चाहूँगी कि intermittent fasting के maximum benefits लेने के लिए ईटिंग और फास्टिंग के साथ साथ स्लीप और स्ट्रेस को मैनेज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके वेट और ओवरऑल हेल्थ गोल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। क्या आपने कभी IF ट्राई किया है या फिर करना चाहते हो, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।